करनाल में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त निशांत कुमार के कार्यालय में पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मांग करते हुए जिला उपायुक्त को कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर किसानों के नाम ठीक से नहीं अंकित किए जा रहे, जिससे किसानों को फसल बेचने में दिक्कत आ रही है। वहीं डीसी ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि 30 अप्रैल तक सभी किसानों की फसल खरीद ली जाएगी और जो भी खामियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। डीसी ने कहा कि पंचायत आढ़ती एसोसिएशन व किसान यूनियन के प्रतिनिधियों से उनकी बात हो चुकी है और वह प्रशासन का सहयोग करने के लिए राजी हो चुके हैं। उपायुक्त ने बताया कि मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं, आढ़तियों के लिए बारदाना मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ किसानों को सोशल डिस्टेंस के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए किसानों को मास्क व सैनिटाइज करने के बारे में भी पूरी सुविधा दी जा रही है। जिला उपायुक्त ने किसानों से आह्वान किया कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाए। देखिए एक रिपोर्ट। अरे किसान भाई बिल्कुल चिंता ना करें, अभी मेरी भारतीय किसान संघ के यूनियन के प्रतिनिधिगण हैं, रतन मान जी हैं और उनके साथ जितने भी हमारे किसान नेता आए हुए थे सबसे मेरी बातचीत हो गई है। हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि हर एक किसान की पूरी फसल हम खरीदेंगे, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आढ़ती एसोसिएशन से भी हमारी सुबह बात हो गई थी, सब जगह जिले में सारे के सारे 172 पॉइंट्स पे सुचारू रूप से परचेज चल रही है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं खुद काफ़ी सारे सेंटर्स चेक करके आया हूँ और इनफैक्ट आज सुबह से 12 बजे तक लगभग 2.75 लाख क्विंटल हमने गेहूँ खरीद ली है। टोटल करनाल में 2.5 दिनों में 10 लाख क्विंटल के करीब परचेज कर ली गई है, जो कि हमारी जितनी हर साल आती है उसका करीब 15% है। तो हमारा मानना है कि 30 अप्रैल तक जो है हम लगभग सारी किसानों के हमारे किसान भाइयों की सारी फसल खरीद लेंगे। मंडियों में कोविड से बचने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, सैनिटाइजर की बात हो चाहे मास्क देने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। परचेज एजेंसीज हमारी एक्टिव हैं, चूँकि परचेज सेंटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो उनके पास स्टाफ की शॉर्टेज थी, तो इसके लिए हमने हर एक परचेज सेंटर पे 2-2 परचेज ऑफिसर्स हमने अलग अलग विभागों से लगाए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करा दी गई थी और वो ये इंश्योर करा रहे हैं कि टाइमली स्विफ्ट परचेज हो। परचेज एजेंसीज़ को हमने डायरेक्शन दे दी कि लिफ्टिंग उसकी तुरंत कराएं, बारदाने की कहीं भी दिक्कत ना आए। तो कुल मिला के पूरी परचेज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.